देखिए स्टूडेंट, वेलकम बैक क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 एंड लेक्चर 3। आपको टॉपिक में बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको बताया गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए हार्मफुल भी है और यूजफुल भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है कि बाई हाउ, कैसे ये हमारे लिए लाभदायक है, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, देखिए। और इनका यूज कहाँ है, ये माइक्रोस का, माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज कैसे है, कैसे हम यूज करके इनको हम यूज करके इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, देखिए। कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज मतलब बहुत बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज एज लार्ज स्केल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज किए जाते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में एंड एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड बनाने में। एसिटिक एसिड क्या है, विनेगर, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या है स्टूडेंट्स, विनेगर है। नाउ अब देखिए, ईस्ट आर यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। अब प्रश्न उठता है कि एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड ये किस माइक्रोब से बनता है, कैसे बनता है, ये ईस्ट से बनता है, ठीक है ना। किससे बनता है, ईस्ट से बनता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये ईस्ट से बनता है। ईस्ट आर यूज फॉर एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, दैट इज विनेगर। और देखिए, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ईस्ट हमको कैसे मिलेगा, ठीक है, ईस्ट हमको कैसे मिलेगा, तो हमको इस प्रोसेस से मिलेगा, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से वी ऑब्टेन ईस्ट। देखिए आगे, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, शुगर को एल्कोहल में चेंज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमको ईस्ट मिलेगा, तो ईस्ट आर यूज फॉर दिस। एंड कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन टू ऑब्टेन ईस्ट। यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, और ऑब्टेन ईस्ट, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्यों कराया जाता है, व्हाई, बिकॉज फॉर ऑब्टेन ईस्ट, ईस्ट पाने या ईस्ट प्रोड्यूस करने। Now next है, medicinal uses of microorganism, medicinal uses, microorganism के बहुत ही अच्छे use हैं, जो कि medicine बनाने के, medicinal use, ठीक है। Penicillin, vaccine are formed by microbes, penicillium notatum, ठीक है। Penicillium notatum microbe है, bacteria है, जिससे कि क्या बनाते हैं, कौन सी दवा बनाते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है। ये पेनिसिलिन मेडिसिन जो है पेनिसिलिन प्रोटेटम से बनाया जाता है। तो इस तरह से ये माइक्रो हमारे लिए हेल्पफुल है, उनसे हम ये दवा बनाते हैं। इसके अलावा और भी दवाएं, और भी मेडिसिन है जो बनाई जाती है। दिस मेडिसिन आर टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये मेडिसिन क्या करते हैं, दिस मेडिसिन आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के ग्रोथ को क्या करते हैं, ये रोकते हैं, इसलिए ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकते हैं, या उनको उस जो माइक्रोब है वो बन जो बन नहीं पाते हैं, उनको बनने से, प्रोड्यूस होने से भी रोकते हैं। तो दिस मेडिसिन आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ
माइक्रोब्स आर एंटीबायोटिक्स इनको एंटीबायोटिक्स करते हैं। सम मेडिसिन लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि ये एंटीबायोटिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, दीज मेडिसिन आर एंटीबायोटिक्स विच आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। नाउ वैक्सीन, इसके बाद टॉपिक है वैक्सीन। व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन क्या है, कोई पूछता है कि वैक्सीन क्या है, तो हम बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वैक्सीन आर एंटीबॉडी, इज द टाइप ऑफ मेडिसिन इज आर एंटीबॉडी। वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो एंटीबॉडी है, जिसको बॉडी में हम पहले ही डाल देते हैं, बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। देखिए, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी, जब कोई माइक्रोब हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, तो बॉडी क्या करती है, उस माइक्रोब को किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है, प्रोड्यूस करती है, टू फाइट द इन्वेडर माइक्रोब्स, टू फाइट द, मतलब जो माइक्रोब बाहर से आया रहता है तो उसको क्या करता है, वो किल करने के लिए क्या करता है, फाइट करता है, फाइट द इन्वेडर, ठीक है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बॉडी में रिमेन, फिर वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में रह जाते हैं, रिमेन हो जाते हैं, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज फॉर एवर, और उस डिजीज से फिर हमेशा के लिए हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ था वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में रह गया है, हमारे बॉडी में रिमेन हो गया है, जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है, एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडी रह गया है, तो फिर जब कोई वो डिजीज पास करता है तो उससे वो एंटीबॉडी प्रोटेक्ट कर लेता है। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा, बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है दवाएं, जो एंटीबॉडी है जैसे कि कॉलरा, कॉलरा ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये सभी डिजीज में ये वैक्सीनेशन होता है। कैन बी प्रिवेंटेड बाई दिस वैक्सीनेशन, कैन बी प्रिवेंटेड बाई दिस वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन से हम ये सारे डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी। ये आज का टॉपिक हमने देखा, इसमें ये सभी है। सो